हाँ जी प्रधान जी बोल रहा था आज दिनांक 7 जुलाई 2022 को हम सभी प्रधानों ने वीडियो ऑफिस ट्रांसफर के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। उसमें हमारी सभी की यही मांग है कि इनकी जो हड़ताल है आज 13वें दिन में जा गई है और अभी इनकी मांगों को सरकार जो है जल्दी से जल्दी मांगे और जैसे कि पीछे इन्होंने वाटर शेड के कर्मचारी और एक DRDA वाले जो सेंटर सरकार से एजेंट थे उनको सीधे रेगुलाइज किया कैमर किया, उसी हिसाब से इनकी मांगों को जल्दी मान करके सरकार में ये अपने कर्मचारी माने ताकि जो पंचायत के काम ठीक ढंग से दोबारा चलें। और यही है कि जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी मांग को जल्दी मान लेते हैं, बढ़िया है, और जो पंचायत के कार्य हैं वो ठीक ढंग से शुरू। यहाँ पर परिसर में इकट्ठे हुए जो कि जिला परिषद के हमारे कर्मचारी और अधिकारी अंशकालीन जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हम हिमाचल प्रदेश से सरकार से इनकी फेवर में पुरजोर मांग करते हैं सभी प्रधान कि इनकी मांगों को जो है वो जल्द से जल्द पूरा करके इन्हें किसी भी विभाग के साथ जो है इनका विलय होना जो है वो उचित है और हम सभी जो हैं इनकी पूरे समर्थन में जो है सभी प्रधान आज यहाँ पर ब्लॉक प्रांतों में इकट्ठा हुए हैं। और क्योंकि ये सभी जो कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो एक पंचायत की जो है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं तो इनके बिना जो हर काम जो अधूरा है। आज किसी को जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, अभी बच्चे जो हैं हमारे एडमिशन के लिए कभी किसी चीज़ के लिए आ रहे कभी तो उसके लिए हमें बहुत परेशानी हो रही है। सारे सरकार से आज फिर से एक ये मांग पत्र जो है वो ये एक जो मेमोरेंडम अपने सुपरिटेंडेंट ब्लॉक प्रागपुर के माध्यम से जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को जो वो भेज रहे हैं और यदि सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम सभी प्रधान ब्लॉक प्रागपुर के भी जो है हम भी इन्हीं के साथ जो है वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो इसलिए मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह रहेगा कि इनका जो मांग है जल्द से जल्द इनका जो विलय है वो किसी भी विभाग के साथ कर दिया जाए ताकि हम प्रधानों को किसी तरह की कोई जो है वो दिक्कत ना आए। धन्यवाद।